प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनकोडिंग, डेटा सिग्नल एनकोडिंग, हमारे माइक बंद है। जिसमें हमने देखा था कि डेटा और सिग्नल, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का डेटा, किसी भी टाइप के सिग्नल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं। तो अब हम इस सीरीज में पहला कन्वर्जन आज पढ़ेंगे, डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल, जिसको जब एनालॉग सिग्नल में हम कन्वर्ट करते हैं तो जनरली मॉड्यूलेशन टर्म्स यूज करते हैं। अदरवाइज मैंने बताया था कि मॉड्यूलेशन और एनकोडिंग दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं एक दूसरे में। तो अब जो एनकोडिंग है या मॉड्यूलेशन है, इसको हम शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइप का डिजिटल डेटा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन है, ये क्या है कि तीन तरह के शिफ्ट इसमें हम देखेंगे, तो इसलिए इसका नाम शिफ्ट कीइंग भी है। तो इसका एग्जांपल मॉडम है, जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है। एक एंड पर ये मॉड्यूलेशन करता है, दूसरे मोड एंड पर डीमॉड्यूलेशन करता है। मतलब जो मॉडम है वो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जब हम टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, एंड रिवर्स एंड पर, रिसीविंग एंड पर, दिस इज द डीमॉड्यूलेशन। तो बेसिकली जब हम डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हमारा आइडिया क्या है कि एनालॉग सिग्नल को यूज करते हुए डिजिटल डेटा को सेंड करना। जैसे ये सेंडर साइड है, तो यहाँ हमारा डिजिटल डेटा है, ये मॉड्यूलेटर है और एनालॉग सिग्नल है इधर डीमोड्यूलेटर। बेसिकली मॉडम ही है ये, जो सेंडिंग एंड पर मॉडम का काम होता है मॉड्यूलेशन, और उसी सेंडिंग एंड पर जब ये डेटा रिसीव करता है तो ये डीमोड्यूलेशन का भी काम करता है। एक सिंगल डिवाइस में मॉड्यूलेशन और डीमोड्यूलेशन दोनों परफॉर्म होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कैरियर सिग्नल हम यूज करते हैं। कैरियर सिग्नल क्या है कि फिक्स फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल होता है, जो जिसके लिए एक ऑसिलेटर डिवाइस होती है जो जनरेट करता है। तो उस सिग्नल के थ्रू ये हमारा डेटा, डिजिटल डेटा फ्लो होता है, और डिजिटल डेटा की जो बिट स्ट्रीम होती है उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो जो मॉडिफिकेशन होता है कैरियर सिग्नल में, वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है डेटा वैल्यूज। ओके, तो मॉडिफिकेशन तीन तरह से होता है, एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में और फेज में। तो जो सेंडिंग डिवाइस है इसमें, वो हाई फ्रीक्वेंसी का, ये म्यूट कर लो, इसकी आवाज आ रही है। सेंडिंग डिवाइस है वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। ओके, तो ये क्या है कि ये जो ये आवाज किसकी आ रही है?
तो मैं बात कर रहा था बेस सिग्नल, कैरियर सिग्नल की, ठीक है। तो जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम आगे चलते हैं, कोई कैरियर सिग्नल होगा एफसी फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या है, हमारा डिजिटल डेटा को एनालॉग वेव फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब डिजिटल डेटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल में मॉडिफिकेशन होगा, और ये मॉडिफिकेशन रिसीविंग एंड पर जब पहुंचेगा तो वहां पर अगर चाहें तो डिजिटल डेटा को एज यूजुअल फिर से रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो रिसीविंग डिवाइस है वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून की जाती है, ठीक है, जो कि सेंडर के द्वारा सेंड की गई है। तो जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बताया कि ये कैरियर सिग्नल को 3 तरह से मॉडिफाई करता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन, जो कि हम शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। तो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो जो सिग्नल फाइनली जनरेट होगा उसको हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल जनरेट हुआ है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में फाइनली हमारा क्या है कि कैरियर सिग्नल का एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किया जाता है। जनरल केसेस में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज करते हैं, मतलब हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, दीज डिवाइसेस आर गोइंग टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये तीनों नाम हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज पर डिपेंडेंट, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। और एक और होता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन मॉड्यूलेशन, जो फेज शिफ्ट कीइंग और एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग से मिलकर बनता है। तो हमारा जो इस लेक्चर में कंसर्न है वो ये 3 तरह का शिफ्ट कीइंग हमें डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। तो इसमें क्या है कि डिजिटल डेटा बिट्स के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया जाता है। बिट 1 के करेस्पॉन्डिंग अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा और बिट 0 के करेस्पॉन्डिंग अलग एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो जनरली हमारी दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, अगर हम चाहें तो 2 से ज्यादा लेवल भी यूज कर सकते हैं। तो बिट 1 जो यूज होगी जिसके लिए, तो उसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड को कंप्लीट रखते हैं, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होने देते हैं, और बिट 0 के करेस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड 0 रखते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। जैसे हमारा कंप्लीट सिग्नल था, बट अगर हमारी जो बिट स्ट्रीम है वो 10110 है, 10110, तो कैरियर सिग्नल में जो मॉडिफिकेशन होगा वो इस तरह होगा कि बिट 1 के करेस्पॉन्डिंग कंप्लीट एम्पलीट्यूड रहेगा पूरे सिग्नल एलिमेंट के लिए, और बिट 0 के करेस्पॉन्डिंग 0 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फिर बिट 1 है, फिर 1 है, फिर कंप्लीट एम्पलीट्यूड, बिट 0 के करेस्पॉन्डिंग 0 एम्पलीट्यूड। अब इसमें एक चीज देखो कि कंप्लीट सिग्नल रिप्रेजेंट्स द 1 बिट, इसका मतलब बिट रेट 1 है और बॉड रेट भी 1 है। बिट रेट और बॉड रेट हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक सिग्नल एलिमेंट में सपोज करो 3 बिट रिप्रेजेंट हो रही होती या 2 हो रही होती, 2 बिट, तो बिट रेट डबल हो जाता, बॉड रेट 1 रहता। बॉड रेट क्या है, पर सेकेंड
नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट, ओके, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ बिट रेट 5 है और बॉड रेट भी 5 है, एक सेकेंड का टाइम है ये कंप्लीट, तो एक सेकेंड में 5 सिग्नल एलिमेंट हैं, 5 बिट हमारी रिप्रेजेंट हो रही है, तो बिट रेट 5 हो गया, और पर सिग्नल एलिमेंट 1 बिट है तो बॉड रेट भी 5 है, मतलब एक सेकेंड में 5 सिग्नल एलिमेंट हैं, ओके, और 5 सिग्नल एलिमेंट में 5 बिट हैं तो बॉड रेट 5। तो ये इसका जो प्रीवियस उसमें था ये डायग्राम है, और इसके करेस्पॉन्डिंग देखो आर क्या है, ये नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट 1 है, तो इससे हमारा बिट रेट एन और एस बॉड रेट है, ये दोनों इक्वल हैं, और बैंड बिट इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम 1+D कैपिटल एस, ठीक है, 1+D का मतलब आगे देखेंगे, हालांकि इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि जो बैंड बिट है वो हाउ टू कैलकुलेट। तो एस हमारा बॉड रेट है, ठीक है, एफ सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, हाँ, तो जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रखा है मैंने, जिसमें हमारा कैरियर सिग्नल जनरेट होता है ऑसिलेटर के द्वारा, और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी है। तो जो इनपुट डेटा होगा, इनपुट डिजिटल डेटा और कैरियर सिग्नल, वो मल्टीप्लायर के थ्रू पास होता है, और जो आउटपुट निकलता है वो इस तरह जो यहाँ प्रीवियस डायग्राम में मैंने दिखाया इस तरह निकलेगा, अगर बिट स्ट्रीम हमारी 10110 है, ठीक। तो अब देखो ये हमारी बिट स्ट्रीम है 10110, ये कैरियर सिग्नल है, तो कैरियर सिग्नल तो यहाँ देखो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी का है, तो इस कैरियर सिग्नल में मॉडिफिकेशन होगा According to this bit stream, one है जहां पर वहां complete amplitude मिलेगा, zero की जगह zero amplitude, one, तो फिर complete amplitude zero, तो इस तरह ये हमारी finally final modulated wave हो गई after modulation wave, ये generate होगी signal और ये propagate होगा, ठीक है। अब ये multiplier है, ये input डेटा डिजिटल बिट स्ट्रीम और ऑसिलेटर जो जनरेट कर रहा है कैरियर सिग्नल एफ सी फ्रीक्वेंसी का, तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लायर इनको इनपुट लेके और फाइनली इस तरह का वेवफॉर्म जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो कि कभी कभी अगर जरूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड जीरो के करेस्पॉन्डिंग जीरो ही रखा जाए, दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेवल भी रख सकते हैं हम, वन के लिए कम एम्पलीट्यूड, जीरो के लिए मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड, इस तरह भी वेव को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हमारे चार लेवल हैं, चार डिफरेंट लेवल हैं बिट स्ट्रीम के, तो चार एम्पलीट्यूड, चार लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के चार लेवल से चारों हम, जैसे अगर हमारे फोर कॉम्बिनेशन है 0001 1 0 और 1 1, तो इस तरह हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड विल रिप्रेजेंट द फोर डिफरेंट लेवल्स। अब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जो है वो बहुत मतलब कि सेंसिटिव है, कि इजली एटेन्यूएशन और डिस्टॉर्शन के करेस्पॉन्डिंग इजली इसमें इफेक्ट आ जाता है,
तो जो लाइन कोडिंग टेक्निक है जिसको हम पढ़ेंगे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन में पढ़ेंगे लाइन कोडिंग, तो वो डिटरमिन करती है हमारी एनालॉग वेवफॉर्म की वैल्यूज। अब यूज जो है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का, वो जनरली ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में हमने देखा है कि दो तरह की लाइट को इंप्लीमेंट करता है वो, लाइट एमिटिंग डायोड और लेजर। तो अगर एलईडी यूज होती है तो एलईडी का एक सिग्नल एलिमेंट लाइट पल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होगा और दूसरा एलिमेंट एब्सेंस ऑफ लाइट, जो वन और जीरो है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट से यूज होगा। और लेजर के लिए लेजर हमारा क्या है, जो लेजर ट्रांसमीटर है वो फिक्स्ड बायस करंट यूज करता है जिससे कि लो लेवल लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो ये जो लो लेवल लाइट है वो एक सिग्नल एलिमेंट यूज करता है, जबकि जो दूसरी हाई एम्पलीट्यूड की लाइट वेव है वो दूसरा सिग्नल एलिमेंट, मतलब वन और जीरो की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ये तो था हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, जिसमें डिजिटल डेटा बिट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमने एम्पलीट्यूड को चेंज कर लिया था। अब इसमें क्या है कि सपोज करो हम सेम डिजिटल डेटा बिट स्ट्रीम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। वन के करेस्पॉन्डिंग कैरियर सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी में बिहेव करेगा और जीरो के करेस्पॉन्डिंग कैरियर सिग्नल दूसरी अलग फ्रीक्वेंसी पर, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये है डिजिटल डेटा बिट स्ट्रीम हमारी वही है सेम 10110, तो वन के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यू कैन सी इसमें एक दो तीन चार चार पीक है, जबकि जीरो के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कम है। फिर वन वन है तो वही मैक्सिमम ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, जीरो के लिए कम फ्रीक्वेंसी, और डायग्राम वही है तो बिट रेट और बॉड रेट दोनों ही फाइव है, क्योंकि हर एक बिट हर एक सिग्नल एलिमेंट एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो है हमारा बाइनरी एफएसके, ठीक है, जिसमें दो वैल्यूज, जैसे पिछले हमने एम्पलीट्यूड शिफ्ट किए में देखा था कि चार एम्पलीट्यूड लेवल भी हम यूज कर सकते थे, तो इसमें भी दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज की जा सकती है, बट दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारा कंसर्न है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किए को समझ, ठीक है। तो मल्टीपल एफ एस के में क्या है कि मल्टीपल बिट पर सिग्नल एलिमेंट होगा, ठीक है, तो हर एक सिग्नल एलिमेंट क्या है एक से ज्यादा बिट रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का प्रोविजन हमें रखना पड़ेगा, जिसमें हर एक फ्रीक्वेंसी ग्रुप ऑफ डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज हो, ठीक है। तो हम अब अपना वही पुरानी पुराने बाइनरी फ्रीक्वेंसी से पीएंग कर रखते हैं। तो बाइनरी का मतलब कि हमें वन और जीरो ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो दो फ्रीक्वेंसी होंगी यहाँ हमारी, फ्रीक्वेंसी एफ वन और फ्रीक्वेंसी एफ टू। जो एफ वन है दैट विल बी एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एफ सी है हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में कुछ थोड़ी फ्रीक्वेंसी एड करके, मतलब बढ़ा दी गई बिट वन के लिए, और बिट जीरो के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी से थोड़ी फ्रीक्वेंसी घटा दी गई, मतलब फाइनली वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द बिट स्ट्रीम, वन के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी और जीरो के लिए कम फ्रीक्वेंसी। तो दोनों जो सिग्नल हैं वो इस तरह रिप्रेजेंट होंगे, दोनों सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, a cos 2 pi f1 t और a cos 2 pi f2 t, जहां पर हमारा
F1 और F2 दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं जो ऊपर कैलकुलेट की हैं 1 और 0 के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वही सेम डायग्राम है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि देखो R=1 पर सिग्नल एलिमेंट 1 बिट है, तो बॉड रेट बिट रेट इक्वल है। अब इसमें जो बैंडविड्थ है वो इस तरह कैलकुलेट की जाएगी। ये दोनों फ्रीक्वेंसी का जो बीच का जो डिफरेंस है एक तरह से, मतलब F1 से लेके F2 तक की जो डिस्टेंस है वो 2dF हम बोलेंगे, ठीक। और ये है हमारा S, मतलब बॉड रेट 1+T। तो इस तरह हमारी बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। 2dF ये है और S 1+D इतना है, तो ये दो बार है। अगर टोटल हम बैंडविड्थ की बात करें तो 2dF तो ये डिस्टेंस है और हाफ इधर बचा हाफ इधर बचा, तो हाफ हाफ मिला के कंप्लीट S टाइम्स 1+D हो गया। इस तरह ये बैंडविड्थ हमारी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज फ्रीक्वेंसी से पीएंगे, ये एरर के लिए कम ससेप्टेबल है, मतलब एरर इजीली इसमें नहीं आती है, मतलब जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की करस्पॉन्डिंग है तो इसमें एरर कम चांसेस हैं। और ये 300 से 1200 बिट्स पर सेकेंड वॉइस ग्रेड लाइन में जनरली यूज होती है। और रेडियो ट्रांसमिशन के लिए 3 से 30 मेगाहर्ट्ज पे यूज होती है, और लैन के लिए भी यूज होती है। कोएक्सियल केबल लैन में जो कोएक्सियल केबल यूज होती है हाई फ्रीक्वेंसी उसमें यूज होती है। अब फाइनली हम फेज शिफ्ट की बात करते हैं। तो जैसे हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में देखा, तो फेज शिफ्ट कीइंग में क्या है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी का फेज चेंज कर देते हैं। 1 के लिए फेज को 180 डिग्री चेंज कर देते हैं, 0 के लिए फेज रिमेंस द सेम, ठीक है। तो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज ही हमारा डेटा का इनकोडिंग है। कैरियर सिग्नल का फेज चेंज किया जाएगा, बिट 1 के लिए 180 और 0 के लिए कोई शिफ्ट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा बिट स्ट्रीम हमारी वही है 10110, तो सिग्नल 1 के लिए देखो जो सिग्नल आ रहा है यहाँ तक देखो ब्लू, और 0 जैसे ही आया वैसे ही फेज हमारा चेंज हो गया। सिग्नल यहाँ ऊपर से जाना चाहिए था, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट होके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। फिर बिट 1 है तो कोई फेज शिफ्ट चेंज नहीं है यहाँ, और 0 आया तो फिर 180 डिग्री फेज चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वही है, ऑसिलेटर हमारा जनरेट कर रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी FC फ्रीक्वेंसी का। ये डिजिटल बिट स्ट्रीम है 1 0 1 1 0, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो रही है वो इस तरह हो रही है। बाइनरी फेज शिफ्ट की है, इसमें भी मल्टीपल लेवल, अगर बिट स्ट्रीम बिट के लेवल ज्यादा है तो हम इसको भी एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा फेज शिफ्ट में भी कर सकते हैं। ये इसका वो ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। और जो फेज शिफ्ट कीइंग में बैंडविड्थ हम कैलकुलेट करेंगे 1+D टाइम्स S, जहाँ FC हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह ये बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और फाइनल स्लाइड ये है हमारी, सपोज करो ये डिजिटल बिट स्ट्रीम है, तो ये हमारा क्या है, पहला वाला एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जहां जहां इनपुट बिट स्ट्रीम में 0 है वहां एम्पलीट्यूड 0 होगा, ठीक है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग,
वन के लिए हायर फ्रीक्वेंसी, जीरो के लिए लो फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है ये फेस शिफ्ट की, ठीक है, जीरो के लिए फेस शिफ्ट है, वन के लिए नहीं। जैसे ये वन है, वन से जीरो आया तो फेस चेंज हो गया, ठीक है, और फिर वन आया तो कोई इसमें क्या है कि फेस चेंज नहीं हुआ, फिर सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। क्यों कहते हैं, मतलब फेस शिफ्ट से मतलब ये है, इसमें थोड़ा डाउट कंफ्यूजन ये ना हो तुम लोगों को, ये जो है कि अगर बिट वन होगी तो सिग्नल जीरो से स्टार्ट होगा, ओके, और बिट जीरो होगी तो सिग्नल जीरो से स्टार्ट ना होके 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन इसका एंगल चेंज हो जाएगा, जो फेस है वो पाई से चेंज हो जाएगा। जब भी वन से स्टार्ट होगा तो ये इनिशियल स्टार्टिंग जीरो से ही होगी। तो यहाँ पे लास्ट वाले डायग्राम में यही लिखा है, वन जहाँ बिट है तो वन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये एज यूजुअल चलेगा। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर ऑन डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल एनकोडिंग या शिफ्ट कीइंग और मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो ही और सी कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास कल फिर होगी, और कल फिर हम दूसरे टाइप का चेंज करेंगे। कल जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली उसमें हमारा जो डिस्कशन होगा कल वो एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल होगा। आज हमने पढ़ा डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल, तो कल का डिस्कशन होगा एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल। ओके, तो ठीक है, मैं क्विट कर रहा हूँ, अगर क्वेरी हो तो बताओ, नहीं मैं क्विट कर रहा हूँ।